हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को प्रोजेक्ट वर्क किस तरह किया जाता है, एक स्मॉल प्रोजेक्ट अपलोड करके आपको बताऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से मार्क्स काटे जाते हैं और मार्क्स कटते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि हम ज़्यादा डेकोरेशन करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल नहीं, डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। हम जो प्रोजेक्ट करते हैं उसके अंदर क्या क्या यूज़ करना चाहिए, कौन से पॉइंट्स आना चाहिए, आप अच्छी तरह करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अभी एक मैं प्रोजेक्ट अपलोड कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट को 1 या 2, 3, 4 कौन से भी ले सकते हैं। इसी तरह मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ कुछ प्रोजेक्ट, लेकिन एक स्मॉल एंड स्वीट, बिल्कुल स्मॉल प्रोजेक्ट है, आप आसानी से कर सकते हो और मार्क्स भी फुल मिलेंगे, कहीं पर भी काटने या कट करने के चांसेस ही नहीं होगा। आप देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्ट हम ये ले लेंगे और प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। क्या है प्रोजेक्ट का नाम? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल, रियल नंबर से मैंने लिया है ये मैंने सेल्फ कराया है ये प्रोजेक्ट। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर एम ए पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पर आइडेंटिफाइंग द रिलेशन बिटवीन रेशनल नंबर डिनोमिनेटर एंड देयर डिसिमल एक्सपेंशन बोलकर हम लिख ले। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग द रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। उसके बाद आना चाहिए एक्सप्रेसिंग द इंटीजर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, सेम आप कॉपी भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए मटीरियल क्या क्या यूज़ करें हम लोग, स्केल, पेन, पेंसिल एटसेट्रा यूज़ करें। यहाँ पे टूल्स क्या है? कलेक्शन ऑफ द डाटा, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, डूइंग सम्स बोलकर हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। प्रोसीजर क्या होना चाहिए? देखिए, कलेक्टेड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिसिमल्स एंड कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड राइट द टेबल। एक टेबल लिखा गया है, देखिए ये टेबल है, ये सीरियल नंबर 1 टर्मिनेटिंग डिसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल एंड यहाँ पर रिकरिंग डिसिमल है। यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है और एक 10 एग्जाम्पल्स छोटे छोटे करके मैंने आप लिखा है, आप आसानी से सारे चेक कर सकते हो। ये टर्मिनेटिंग डिसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल के एग्जाम्पल्स है, इस तरह आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए केस पीपी का राइट डिनोमिनेटर क्यू एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पर हम लोग ये ले ली है। उसके बाद टेबल 2, एक और टेबल लिए हम लोग, यहाँ पर देखिए टर्मिनेटिंग डिसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिसिमल, यहाँ पर भी एक और टेबल हमने बनाया है। ये टेबल एज यूजुअल आप कॉपी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आना चाहिए? ऑब्जर्वेशन का आना चाहिए। इन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स द प्राइम फैक्टर ऑफ ए डिनोमिनेटर क्यू आर आइदर 2 or 5 और बोथ। इन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिसिमल्स फ्रैक्शन फ्रॉम द डिनोमिनेटर कॉन्टेन अदर प्राइम फैक्टर्स, ये आ गया। हम एक थ्योरम करे थे रियल नंबर में, वो हो गया। कंक्लूजन भी ये पॉइंट लिखना चाहिए, द रेशनल नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डिसिमल हुज डिनोमिनेटर एज ए पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट 2 or 2.5, ये 10 आप लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट भी देखिए, इट रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेर पी क्यू आर को प्राइम टर्मिनेट देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 power of n, 5 power of m वेर एम एंड एन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट क्या होगा? देखिए, इन सम डिसिमल्स एक्सपेंशन वी थॉट इट वॉज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डिसिमल बट इट वॉज रिपीटेड आफ्टर 10th प्लेसेस आर मोर। एक्नॉलेजमेंट भी हमको लिखना चाहिए। देखिए एक्नॉलेजमेंट क्या होगा यहाँ पे? माई सिंसियर थैंक्स टू आवर ग्रुप मेंबर्स हु, यहाँ पे वो सपोरेटेड, यहाँ पे सपोर्टेड लिखना है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक आया है, ऑपरेटेड भी लिखा है, वो भी लिख सकते हैं। या माई सिंसियर थैंक टू आवर मैथ्स टीचर, यहाँ पे रेफरेंस बुक कहाँ से प्रोजेक्ट लिए गए हैं, ये प्रोजेक्ट के नेम से आप लिख सकते हैं। इतना सिंपल प्रोजेक्ट आप करेंगे तो आपको कंपलसरी पूरे मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से आप बेनिफिट उठाएंगे और कॉपी कर दीजिए। ऑल द बेस्ट माई डियर स्टूडेंट्स।